हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी बताई गई ये 6 चीज़ें डाइट में शामिल करेंगे तो आपकी बीपी की समस्या जो है वो ठीक हो सकती है। और दोस्तों, अगर आज दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर हार्ट से जुड़ा हुआ एक गंभीर रोग है। और अगर एक रिपोर्ट की माने दोस्तों, तो दुनिया में 1 अरब से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। और दोस्तों, कमाल की बात है कि शुरुआत में इस बीमारी के कोई खास लक्षण भी नहीं आते, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं, यानी गंभीरता बहुत ज़्यादा है इस बीमारी की। तो दोस्तों, बात करें सबसे पहले ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू की, तो ये वैल्यू 120/80 mmHg है। और दोस्तों, बात करें ब्लड प्रेशर के खतरे की, तो ये 2 प्रकार का होता है खतरा। पहला कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है वो 140 से ज़्यादा हो जाए, हाइपरटेंशन कहते हैं इसे। और दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 70 से कम हो जाए, इसे नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो ये स्थिति हाइपोटेंशन कहलाती है। दोनों ही स्थिति ठीक नहीं है, दोनों ही स्थिति खतरनाक है। आगे बात करें दोस्तों कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादातर लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, एलोपैथी का सहारा लेते हैं, लेकिन फिर भी हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं वो नेचुरल डाइट से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की सलाह देते हैं। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी 6 चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर है दोस्तों सिट्रस फ्रूट, यानी सिट्रस फ्रूट्स खाने आपको नींबू, संतरा, अंगूर जैसे खट्टे फलों में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की अचूक क्षमता होती है। ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली फल होते हैं दोस्तों। और स्टडी की माने तो संतरे और अंगूर का जूस पीने से ब्लड प्रेशर के खतरे को टाला जा सकता है हमेशा के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं, आपको खाने चाहिए। दूसरे नंबर पर है दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड। जी हाँ दोस्तों, इसे दिल के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और इसकी पूर्ति के लिए सैल्मन मछली सबसे बेहतर विकल्प होता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप शाकाहारी हैं, तो आप फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अलसी के बीज होते हैं वो भी एक शानदार विकल्प है ओमेगा 3 फैटी एसिड को प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, ये फैट जो है शरीर में जाकर के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और उसे ठीक भी करता है। फिर तीसरे नंबर पर बात करें कद्दू के बीज की। जी हाँ दोस्तों, पंपकिन सीड्स मैग्नीशियम, पोटेशियम, आर्जिनिन और एमिनो एसिड्स से भरपूर कद्दू के बीज हमारी सेहत के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। और इसे करना क्या है कि 1 चम्मच रोज खाना है। और मार्केट में तो दोस्तों कद्दू के बीजों का कोई तेल भी मिलता है और ये भी हाई ब्लड प्रेशर की एक अच्छी दवा माना जाता है। फिर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 4th नंबर की तरफ, दाल और फलीदार सब्जियाँ। जी हाँ दोस्तों, दाल और फलीदार सब्जियों में मौजूद पोषक तत्व शरीर में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। और दोस्तों, हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो इन्हें खाने से लो ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं रहती और कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर नियंत्रित भी रहता है। फिर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रोकली की। 5वें नंबर पर ब्रोकली है। और ब्रोकली में पाए जाने वाले जो एंटीऑक्सीडेंट हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का एक बड़ा स्रोत है। और सप्ताह में 2 बार ब्रोकली खाने से ब्लड प्रेशर जो है वो निश्चित रूप से कंट्रोल में रहेगा दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं 6वें नंबर पे, और ये है दोस्तों पालक। पालक में मौजूद पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रेट्स सेहत के लिए बहुत लाभकारी हैं। ये मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। और सप्ताह में 1 से 2 बार पालक का सूप पीने से हमें हाई और लो ब्लड प्रेशर का खतरा कम रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।